नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ प्रदीप। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हैदराबाद में खेले गए 3 मैचों की सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 12 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली है। बताते चले कि भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पे 349 रन का बड़ा स्कोर किया था, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 49 ओवर में 337 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया के लिए शुभमन गिल ने 208 रनों की पारी खेली थी, तो वहीं न्यूजीलैंड के लिए माइकल रसवल ने 78 गेंदों में 140 रनों की यादगार पारी खेली। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा मैच शनिवार 21 जनवरी को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। रायपुर में खेला जाने वाला सीरीज का दूसरा मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला दूसरा वनडे मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर आप लाइव देख सकते हैं। हैदराबाद में खेले गए मैच को ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया के बल्लेबाजों और गेंदबाजों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की जरूरत होगी। जहां एक तरफ बल्लेबाजों को स्कोर बढ़ाने को लेकर ध्यान देना होगा, तो गेंदबाजों को पार्टनरशिप तोड़ने को लेकर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। आइए जानते हैं भारत और न्यूजीलैंड के संभावित प्लेइंग 11। टीम इंडिया के स्क्वाड हैं रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, केएस भरत, हार्दिक पांड्या, वासिंगटा सुंदर, शाहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, यजुर्वेद चहल, कुलदीप यादव, मोहम्मद समी, मोहम्मद सियाज और उमरान मलिक। न्यूजीलैंड का स्क्वाड है टीम लेथन, फिन एलन, डग ब्रेशवेल, माइकल ब्रेशवेल, मार्क चैपमैन, डेविन कॉनवे, जेकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोलस, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर, हेनरी सिपली, इशोरी और ब्लेयर टिग्नर। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।